गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाना शुरू करी हूँ। तो यहाँ टाइम के 7:30 बज रहा है और यहाँ पे बेटा स्कूल जा रहा है, तो जूते वगैरह पहन रहा है और नाश्ता वगैरह खा भी लिया है और ले भी लिया है। तो बस मैं किचन में जा रही हूँ क्योंकि गैस पे मैं तवा चढ़ा करके आई हूँ और उस पर छिलका है। तो यहाँ आज मैं सूजी और दही का छिलका बनाई थी, तो वो खा भी लिया है और स्कूल लंच में भी लेकर के जा रहा है। तो छिलका को पलट देते हैं और फिर से उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पैसे दे रही थी, ई रिक्शा से वो आता है, तो जाते समय तो हस्बैंड छोड़ देते हैं और आते समय वो ई रिक्शा से आ जाता है, क्योंकि अभी बस वगैरह तो चल रहा है स्कूल का, लेकिन हम लोग नहीं भेज रहे हैं क्योंकि कभी कभी स्कूल लगता ही है, तो क्या पैसे बर्बाद करना। तो बस हो जाता है तो काम चल जा रहा है। और ये मौसे रात भर इन्होंने पढ़ाई की है, सुबह के 7:30 बजे तक, और अभी ये सोने जा रहे थे तो हम इन्हें उठा दिए। अब ये देखिए ऐसे इसी तरह लड़ते रहता है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से बेडरूम में आ गई हूँ और बड़ा बेटा भी सो करके उठा था, तो सोया हुआ था तो उसे उठाने लगी थी। और यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ क्योंकि मैं बेड ठीक नहीं की थी, बेटा को स्कूल भेजना था तो मैं चली गई थी। और इसके बाद बेड वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करूँगी और चाय पीऊँगी और इसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और क्या है, सुबह सुबह तो यही सब काम होता है। तो चलिए मिलती हूँ। तो यहाँ पे चाय पानी पी लिए हैं, यानी चाय वगैरह हो गया है सुबह का। तो यहाँ पे मलाई रखा हुआ था तो उसका मैं मक्खन निकाल लेती हूँ और मैं इसी तरह से निकालती हूँ ताकि उसका जो छाछ यानी मट्ठा होता है वो भी काम में आ जाता है, और मक्खन, इस मक्खन का घी भी बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं जो दाल घोटने वाला होता है उसी से हम मलाई को मह लेते हैं, मिक्सी वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, वैसे कभी कभी कर भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे निकल गया था तो मैं मक्खन निकाल लेती हूँ पानी में और उसे धो लूँगी, और ये जो मट्ठा है मेरा बेटा पी भी लेता है या फिर कुछ मैं और भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसे धो करके और इसे कढ़ाई में निकाल देते हैं जिसमें हमें घी बनाना है, और इसमें इस पानी का मैं यूज कर लूँगी। तो ये देखिए इसी पानी में मैं सूजी डाल देती हूँ इडली बनाने के लिए, और ये देखिए जितना हमें इडली बनाना है सूजी को डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दही, और ये दही भी घर का फ्रेश दही है। तो बस 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें दही डाल दिए हैं, और पानी तो डालेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो छाछ का पानी है तो पानी है ही, छाछ का पानी नहीं है, बस मक्खन धोए हैं उसी का पानी है, तो थोड़ा बहुत वो घी घी रहता है इसके कारण से। और ये देखिए इतना पतला रखेंगे ताकि ये फूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और इसे हम ढक करके फूलने के लिए रख देते हैं और इसके बाद और काम करेंगे। तो यहाँ पे फूलने दे दिए हैं और झाड़ू भी हो गया है, तो बस फटाफट से मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैं जब पोछा लगाती हूँ तो इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ और बाकी सारा रूम में लगाती हूँ। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहिए और इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं जो जो रूम में पोछा लगा रही हूँ लाइट को ऑफ करते जा रही हूँ, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है और इन्वर्टर उतना लोड लेता नहीं है, तुरंत साउंड देने लगता है इसी के कारण। तो वही यहाँ पे दोनों रूम का पोछा लगा दिए, लाइट ऑफ कर दिए, और बस हॉल का पोछा लगा देते हैं। और मैं पोछा एक ही जगह पे मैं बार बार लगाती हूँ, और यहाँ पे मैं पोछा लगा ली ना, ये दूसरा बार मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और आप लोग देखिएगा मैं यहाँ पे कितनी बार पोछा लगाऊंगी। या रूम में भी मैं बार बार पोछा लगाती हूँ ताकि पक्का मेरा साफ़ हो जाए, और इसी तरह से साफ़ भी हो जाता है। और बस इधर का पोछा लग गया तो मैं पानी बदल करके और किचन का पोछा लगा रही हूँ, और किचन वगैरह का पोछा लगा करके, और इसके बाद मैं आप लोगों से नहा धो करके और फ्रेश होकर के मिलूंगी। तो
इधर सारा जगह पोछा लग गया है और यहाँ देखिए ये टब का पानी है। तो यहाँ पे चापा कल है और लाइट नहीं रहता है तो हम लोग पूजा वगैरह का पानी यहीं से यूज करते हैं। तो अभी बेटा चापा कल चलाया था और जब चापा कल चलाते हैं तो नीचे एक टब रख देते हैं क्योंकि इधर ज़्यादा पानी पानी ना हो, तो वही मैं यहाँ से टब हटा रही थी और यहाँ भी पोछा लगा लेंगे। तो पोछा वगैरह सारे जगह लग गया है और जो काम करना था सभी काम हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ क्योंकि आजकल हाथ पैर थोड़ा सा खींचे खींचे लगते हैं। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह तो अभी नहीं झाड़ेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है नाश्ता बनाने का और हस्बैंड भी आने वाले हैं तो उन्हें भी देना होगा क्योंकि सिर्फ पपीता खा करके ही गए थे। नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों ने देखा ही कि आज हमने मॉर्निंग की रूटीन शेयर करी है। कर लो, बजा लो। तो सबसे पहले तो बेटा को स्कूल भेजना था तो उसको भेज दिए, फिर झाड़ू पोछा वगैरह हुआ और छोटा बेटा स्कूल गया है तो उसे बस सूजी का छिलका बना करके और दे दिए थे फटाफट से और वो लंच लेकर के भी गया है और खा के भी गया है। और हस्बैंड सिर्फ पपीता खा करके गया है क्योंकि घर का पपीता था और सिर्फ वही खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं तो उन्हीं को दे दिए थे। तो बोले ज़्यादा हो गया है मतलब नाश्ता नहीं करेंगे। और अभी बनाना है इडली, तो आप लोगों ने देखा ही कि हमने इडली का बैटर घोल करके रखा है और बस वो फूलने के लिए उसको छोड़ दिए थे और वैसे ज़्यादा टाइम हो गया फूलते हुए। इडली के बैटर को कम से कम आधा घंटा फूल जाए तो ठीक है, तो वैसे ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम नहाने धोने लगे थे, फ्रेश होने लगे थे तो अब जा रहे हैं बनाने के लिए कि हम दोनों को भूख लग गई है और हम सिर्फ सुबह में चाय पिए थे, बेटा कुछ नहीं खाया है। तो चलते हैं फटाफट से बना लेते हैं। और मेरा आईब्रो बड़ा अच्छा लग रहा है तो चले। और अभी चटनी भी बनाना है और इडली के बैटर में छौंका लगाना है तो ट्राइपॉड लगा देते हैं। और देखिए कि सूजी का इडली हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइट जला लेते हैं। तो ये देखिए इडली का बैटर फूल गया है तो गाढ़ा गाढ़ा भी हो गया और बहुत अच्छे से फूल गया है। तो इसमें मैं छौंका लगाऊंगी और सूजी का जो इडली बनता है उसमें छौंका लगाने से थोड़ा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं तड़का पैन चढ़ा करके सरसों का तेल डाल दी हूँ और इसके बाद इसमें थोड़ा सा डाल दिए हैं राई और थोड़ा सा डालेंगे चना दाल कूट करके, खड़ा खड़ा नहीं कूट करके, और थोड़ा सा उड़द की दाल और इसे हम चटकने देंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और इस आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इसमें हम छौंका लगा दिए हैं यानी तड़का लगा दिए हैं और इसके बाद हम डाल देंगे 2 पैकेट इसमें इनो और ये इसे मिक्स करके और फिर इडली बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा इडली मेकर है इसमें थोड़ा थोड़ा हम ऑयल लगा करके और इसे हम ग्रीस कर देंगे और इसके बाद सभी खानों में इडली का बैटर भर देंगे। और मेरे पास एल्युमिनियम का जो सेट आता है वो नहीं है, यही है और ये बहुत पुराना है और जब काम चल ही जाता है तो मैं वो नहीं लेती हूँ क्योंकि रोज़ तो इडली बनता नहीं है और इसी से काम हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर क्या पैसे फंसाना। तो ये देखिए सारा खाना में हम इडली का बैटर भर दिए हैं और इसके बाद इसे यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का है इसे हम यहाँ पे लॉक कर देंगे और बस पानी भी हमारा खौलने लगा है ये देखिए। तो अब हम इसमें रख देते हैं स्टीम होने के लिए। और मेरे पास इसका भी कोई ढक्कन नहीं है तो मैं इसे भी कोई भी ढक्कन से ढक देती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जब तक हमारा इडली बन रहा है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो चना दाल है और बादाम है इसको मैं पहले ही भून दी थी ताकि ये ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा।
तो बस ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम मसल मसल कर इसका छिलका हटा लेंगे। तो ये देखिए छिलका हटा दिए हैं, बस किसी किसी में लगा हुआ है। तो चना दाल और ये जो मूंगफली है इसका मैं चटनी बना लूँगी। तो ये दोनों को यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी तो जार भर गया, तो बस इसे हम दो बार में इसे पीस लेंगे। और मैं इसी में डाल दूँगी कड़ी पत्ता, और ये कड़ी पत्ता मैं धो करके रखी थी, ये आप नहीं बोलिएगा कि बस मैं ऐसी डाल दी हूँ, मैं बागान से तोड़ करके ला कर और धो करके रख दी थी। और बस कड़ी पत्ता, और यहाँ पे डाल देंगे अदरक, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और वैसे चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और मैं कभी कभी डाल भी देती हूँ, पर इस बार मैं बिना लहसुन का ही चटनी बना रही हूँ। और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो जब तक हमारा इडली बन रहा है तब तक हम चटनी को पीस लेते हैं। तो ये देखिए एक बार में मैं चटनी को पीस ली हूँ, और एक दो बार करके और पीसेंगे क्योंकि ये जार भर गया था जिसके कारण से। तो इधर हमारा चटनी भी पीस रहा है और इधर हमारा इडली भी रेडी हो गया है, ये देखिए। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं चक्कू डाल करके कि रेडी हुआ है या नहीं। तो ये रेडी हो गया था, तो बस इसे हम ठंडा होने देते हैं। और इधर हमारा मिक्सी भी चल रहा था, तो ये देखिए एक बार और पीस लिए हैं और एक बार चटनी पीसना पड़ेगा। तो बस दोनों तरफ हमारा काम चल रहा था, और इधर मेरा इडली ठंडा हो गया था तो हम इधर इडली भी निकाल लेते हैं। और मैं तड़का पैन में गैस, एक दूसरे वाले गैस में यानी चूल्हे पे मैं ये देखिए तड़का भी रेडी कर दी हूँ। सरसों और लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का छौंका चटनी में लगा दिए हैं, और इधर इडली भी निकाल देते हैं। और सरसों और लाल मिर्च का तड़का लगाने से चटनी काफ़ी टेस्टी लगता है, और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, बिना तड़का लगाए भी खा लेते हैं, वैसे मेरे बेटा को बहुत पसंद है। और ये देखिए मैं यहाँ पे इडली दिखा रही थी कि काफ़ी मस्त बना था, बहुत टेस्टी भी बना था। तो बस अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रहा चटनी और ये रहा इडली। तो ये देखिए प्लेट हमारी लग गई है, और हमारी क्या आपकी भी लग गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा इडली बनना है। तो ये लीजिए मैं चटनी लगा करके आप लोगों को खिला देती हूँ।